वाड्रा और राहुल गांधी की जो बस है वो कहीं निकलती है एम्बुलेंस, कहीं निकलती है थ्री व्हीलर, कहीं निकलती है टाटा मैजिक। अभी हम लोगों ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी, उसके अंदर ये सामने आ रहा है और ये कहीं और नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है, जो वाहन पोर्टल है, उसके अंदर ये जानकारी दी गई है। हजार हैं, हजार तो दिए हैं उन्होंने, मैं उसकी एक एक करके कर रहे हैं हम लोग। इतना ही कहा जा सकता है कि राहुल और प्रियंका की फर्जीवाड़ा कांग्रेस पार्टी है। इनको कोई श्रमिकों से कोई संवेदना नहीं, कोई सेवा भाव नहीं। उनके अंदर खाली एक है कि फोटो ऑप कैसे बने, कैसे शुद्ध रूप में श्रमिकों की हालत को, माइग्रेंट्स की हालत को वो किस प्रकार से पॉलिटिसाइज कर सकते हैं, ये देखने को मिल रहा है। और ये सदियों से उनका रवैया है, जब से ये परिवार आया सदियों से कांग्रेस का, पार्टी का रवैया है। आपने देखा होगा, चाहे वो नेशनल हेरल्ड का जो शेयर्स का घोटाला था उसमें स्कैम, चाहे उनका जो जमीनों पे दमाद गेट होता है उसमें घोटाला फर्जीवाड़ा, चाहे कोयले की दलाली हो तो फर्जीवाड़ा, चाहे कॉमन गेम्स वेल्थ का आयोजन हो तो फर्जीवाड़ा। तो इसलिए ये प्रियंका और राहुल की फर्जीवाड़ा कांग्रेस पार्टी बन गई है। और इन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे, जो कि COVID-19 में जो श्रमिकों को मदद देनी चाहिए थी, मदद ना देते हुए उन लोगों ने ये साबित कर दिया कि उनको संवेदना नहीं है, उनको राजनीतिक अपना नफा नुकसान देखना है। मैं आपके सामने कुछ रखता हूँ जो प्रिलिमिनरी, जो पहली हम लोगों ने एक रिपोर्ट देखी है, और हजार हैं तो सबकी निकालेंगे तो आपको उसके बारे में भी बताएंगे। मगर ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ये देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो है ये थ्री व्हीलर है। इन्होंने फिर भेजा एक और, देखिए ये देखिए, इसके अंदर भी देखेंगे, राजस्थान का नंबर है ये भी है, ये वो बस जो जी उसी का है, ये थ्री व्हीलर। फिर इसी तरह से देखिए, थ्री व्हीलर के बहुत आ रहे हैं जानकारी, आपको दे रहा हूं। थ्री व्हीलर ऑटो हो गया, हाँ वही ऑटो हो गया जब। और फिर गुड्स कैरियर, बस के नाम पर ये गुड्स कैरियर है, मतलब सामान को धोने के लिए काम आएगा। इस प्रकार के अन्य चीजें सामने आई हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और कांग्रेस पार्टी, और यहाँ से नहीं सीधा सोनिया गांधी जो इन दोनों की माँ हैं और कांग्रेस की अध्यक्षता हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि ये फर्जीवाड़ा पार्टी क्या कर रही है, और ये फर्जीवाड़ा का जो खेल है वो आपके बेटा और बेटी क्यों खेल रहे हैं, क्या इसमें आपका भी हाथ है, इसका अब जवाब हम लोग को मिलना चाहिए। सर, 1000 में लगभग कितनी ऐसी गाड़ियां होंगी? मैंने कहा अभी प्रिलिमिनरी करी है, इसीलिए मैंने शब्द प्रिलिमिनरी करा है, आपके सामने तुरंत आए हैं, और अभी डिटेल्स निकल रही है, जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी वो आपको हम लोग सब एक साथ दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कल रात में लिस्ट आई है, आज सुबह से हमने इसीलिए हम लोग ने लिस्ट मांगी। देखिए उस पर भी वो नौटंकी कर रहे थे, उस पर भी राजनीति कर रहे थे, क्या ये एक भी किसी, क्या सरकार का अधिकार नहीं है, राज्य सरकार का, कि आपसे फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाए, आपसे पूछा जाए ड्राइवर का नाम, उसका लाइसेंस मांगा जाए, ये सब क्या आवश्यक नहीं है? हमारे भी जो बसें चल रही हैं हम उनके ऊपर भी ये लागू करते हैं। COVID-19 का टेस्ट हुआ नहीं हुआ उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्या ये आवश्यक नहीं है कि आपसे, आप मदद करना चाहते हैं तो क्या ये आवश्यक नहीं है कि कहाँ बस को
हम बोले कि वहां पे पहुंचे या आप ही अपने मर्जी से सब करोगे। तो हर जगह पे इन्होंने राजनीति करी और राजनीति करने के बाद इनका फर्जीवाड़ा सामने आ गया। सर, आज एक हुआ था जिसने कहा गया था कि 500 बसें गाजियाबाद नोएडा भेजी जाएं, वहीं पर इनके सबसे परमिट ड्राइवरों की डिटेल वगैरह चेक होगी, तो ये चीजें वहां नहीं चेक हो सकती थी जो बसें सही होती हैं। जो हम सरकार को अपना करना है वो विषय सरकार के ऊपर छोड़े, जो कांग्रेस का है वो फर्जीवाड़ा नाम क्यों दे रहे हैं उस पर आप प्रश्न पूछिए ना। नहीं भाई, जो आपके फर्जीवाड़ा है उसका तो पहले जवाब ले लें, फिर हम बताएंगे उसके बारे में हम क्या करेंगे। मगर ये आपके सामने, आप चाहते हैं कि हम बस की जगह ऑटो को इस्तेमाल कर लें, आप चाहते हैं गुड्स कैरियर को हम लोग इस्तेमाल कर लें, क्या हम लोग बस की जगह टाटा मैजिक को इस्तेमाल कर लें, तो मेरे ख्याल से ये संभव नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, उससे ये डिटेल्स निकल रही हैं, उसके आधार पर आपके पास बीच में जानकारी दे रहे हैं, कहीं और से नहीं दे रहे। कोई कानूनी कार्रवाई करेगी फिजिकली अवेलेबल है तो 1000 बसें तो फिजिकली अवेलेबल होगी ना सर, 1000 बसें तो जब आपको हम लोगों ने कहा है, कोई एक साथ तो उन लोगों ने कार्गो प्लेन में तो लेकर लाया नहीं है, एक एक करके लाएंगे, 1000 बसें तो एक आती नहीं है तो उसका समय लगेगा। मैं उसके पहले फिजिकल फिटनेस ड्राइवर की ये सब डिटेल तो चेक होती है कि नहीं होती है, तो वो काम कर रहे हैं हम लोग। एक आप हो गया, अब वो देखिए जो सरकार को और करना होगा उसके बारे में बताएंगे, जितनी आपको जानकारी देनी थी हमने दे दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक सवाल ऐसा है, उनको स्वागत है, कोई चीज उनको स्वागत, पहले आप इसको कहते हैं चोरी और सीना जोरी, इसमें तो कांग्रेस माहिर है, वो कुछ भी करना चाहे मगर कांग्रेस माहिर है चोरी। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।